क्वेश्चन 11th है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के टर्म्स में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताने की कोशिश करूं, तो सपोज करो कि यहाँ पे जैसे मैं मेंशन कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब होता है कि दो मासेज ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्सेज की बात करते हैं। अब मान लो कि मेरे पास एक सिस्टम है जिस सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। सपोज ये एक सिस्टम है, इसमें ये 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 सारे पार्टिकल्स हैं, और अगर सब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये एक दूसरे पे लगा रहा है, ये इसके साथ लगा रहा है, ये म्यूचुअली एक दूसरे पे फोर्सेस लगा रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम में कोई फोर्स निकालना हो मुझे तो मैं कैसे निकालूंगा? तो इस टाइम में मुझे क्या करना पड़ता है कि पर्टिकुलर एक पॉइंट को कंसिडर करना पड़ता है, उस पॉइंट को हम सुपरपोज कह देते हैं। इट मीन्स कि वो जो पॉइंट है वो इस समय कंसिडर किया जा रहा है हमारे द्वारा, और उसके अलोंग बाकी सभी पॉइंट्स पर लगने वाले फोर्सेस को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और उनका सम जो है वो कहलाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी कि एल्जेब्रिक सम, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज ऑल अबाउट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब इसको आप समझते हैं, इसको रब कर देता हूं मैं यहां पे। अब देखो एक एक सिस्टम में मैं तीन पार्टिकल्स बना रहा हूँ, तो मान लो कि मेरे पास ये पहला पॉइंट ये रहा, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये रहा, और चौथा पॉइंट ये रहा। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है, यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है, यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है, ठीक है, और ये सभी एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, और वापस से इस पर ये फोर्स लग रहा है, ये इस पर, ये इस पर, ये इस पे और ये इस पे। तो जो ये पार्टिकल है ना पहले वाला, इसका मैं मास मान लेता हूँ m4, यानी सेंटर वाले को m1 मान लेता हूँ। चलो, तो सेंटर वाले को मान लिया m1, इसको मान लिया मैंने m2, इसको मान लिया m2 मैंने, उसके बाद इसको मान लिया नीचे वाले को m3, ठीक है, और इसको मान लिया मैंने m4। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स कंसिडर कर लिए। अब मुझे जानना है कि टोटल जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना होगा। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो वो वैल्यू कुछ इस तरीके से निकलेगी कि मान लो कि जो F है वो निकलेगा F1 प्लस में F2 प्लस में F3, और ये चलता जाएगा सिस्टम में, अगर n पार्टिकल्स है तो n तक चलता जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से मेरे पास ये यहाँ से आके ये यहाँ n तक जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज कि जो मेरे पास ये पूरा सिस्टम है उसमें F1, F2, F3 इनकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे अगर मुझे वैल्यू निकालनी है सपोज, तो देखो अगर मुझे F1, 2 की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे जो सिस्टम है ये, एक बार मैं हाईलाइट करता हूँ आपके लिए, ये जो मेरे पास सिस्टम है ये वाला, ये 1 है और ये वाला मेरे पास 2 है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F1, 2 और साथ में F2, 1, ये फोर्सेज लगेंगे। अब ये आपस में बराबर हैं, ये दोनों फोर्सेज आपस में बराबर है, तो इनमें से कोई भी निकालूंगा काम चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे F1, 2 निकाल लेता हूँ, F12। सिमिलरली इधर लगेगा F14 प्लस में F14 प्लस में यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसको भी निकाल लूँगा मैं। तो इस तरीके से लगेगा F12, F13, F14, चलते 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 लगेगा F1n। ठीक है, इन सभी का अगर समेशन निकालूँ तो वही मुझे क्या देता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देता है। इनमें से कोई एक निकाल लेता हूँ, सपोज F12 निकाल लेता हूँ मैं, तो वो आता है जी M1 और M2, इन्हीं दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है M12 है, तो डिवाइडेड बाई R21 का स्क्वायर। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में ग्रेविटेशन करोगे तब आपको ही समझ आ जाएगा कि R21 का स्क्वायर क्यों लिखा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसी तरह की तरीके से सिमिलरली अगर मुझे निकालना हो F13 तो मैं निकालूंगा G M1 M3 डिवाइडेड बाई M31 का स्क्वायर, यानी कि M1 तो कॉमन रहेगा ना, 1 और 3 के बीच में लग रहा है, तो M1 तो कॉमन रहेगा। अगर मुझे निकालना है F14 तो निकलेगा G M1 M4 डिवाइडेड बाई R41 का स्क्वायर, और इसी इन्हीं सभी का समीशन कर दूंगा। अगर मान लो F1n का निकालना है मुझे तो G M1 Mn डिवाइडेड बाई Rn1 का स्क्वायर। ठीक है, इन्हीं सब को आपस में ऐड कर दूंगा, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो देखो मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे किस तरीके से ऐड होने के बाद सॉल्व होगा। ये प्रॉपर डेरिवेशन ये कहती है कि एफ इज इक्वल टू एफ वन टू वैक्टर फॉर्म में प्लस एफ वन थ्री प्लस एफ वन फोर प्लस में चलता जाएगा ये सोन अप टू एफ वन
एन तक, राइट। अब इस एफ को मैंने यहाँ पे वेक्टर आएगा, एफ को ऐसे ही छोड़ दो, एफ वन टू की वैल्यू थी जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर टू वन का स्क्वायर प्लस में जी एम वन एम टू एम थ्री डिवाइडेड बाई आर थ्री वन का स्क्वायर, और ये चलता जाएगा ऐसे ऐसे आगे की। तो यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन हम ले सकते हैं जी और एम वन, ठीक है। तो यहाँ से हमने जी और एम वन जो है वो कॉमन ले लेना है, और अंदर में बच जाएगा एम टू डिवाइडेड बाई आर टू वन का स्क्वायर प्लस में एम थ्री डिवाइडेड बाई आर थ्री वन का स्क्वायर, और ये चलता जाएगा, और यही आपका सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का आंसर आ गया। डन।